नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी किसी शॉप वाले के पास जाके अपना पैन कार्ड बनवा रहे हो तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है और इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा काम की है, आपको आगे भी काम आने वाली है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको हमेशा से ही यही कहते आया हूँ, पिछले वीडियो में भी और आगे भी और अब भी, कि जब भी आपको अपना पैन कार्ड अप्लाई करना हो, करेक्शन करना हो, या फिर आपके फैमिली मेम्बर में किसी का भी पैन कार्ड बनवाना हो, तो आप ऑनलाइन शॉप वाले के पास ना जाके बल्कि आप खुद से ही अपने मोबाइल से आप इसको करेक्शन कर सकते हो या फिर अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। आपको पैसों का बेनिफिट तो होगा ही होगा, साथ में एक और बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, हम मान कर चलते हैं कि आपको ऑनलाइन पैन कार्ड करेक्शन करना या फिर अप्लाई करना नहीं आता है, आप थोड़े से आपको पता नहीं चलता है, आप थोड़े से कम पढ़े लिखे हो, तो ऐसे में आप किसी शॉप वाले के पास जा सकते हो बनवाने के लिए, अगर आपको नहीं आता है तो। लेकिन आपको यहाँ पर क्या ध्यान में रख लेना है वो मैं आपको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, कि जब भी आप किसी शॉप वाले के पास जाते हो पैन कार्ड बनवाने के लिए, तो आपको अपना मोबाइल नंबर तो वहाँ पर देना ही देना है इस पैन कार्ड के साथ लिंक करने के लिए, या फिर आप जो नया अप्लाई करते हो उसके लिए, और साथ में आपको एक ईमेल आईडी भी दे देना है। अगर आपको ईमेल आईडी बनाना नहीं आता है तो किसी भी लड़के से आप बोल सकते हो, आजकल तो बच्चा बच्चा ईमेल आईडी बना लेता है, या फिर आप यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हो कि ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं। तो आप जब भी उस शॉप वाले के पास जाते हो अप्लाई करने के लिए, तो आपको अपना ही मोबाइल नंबर और अपनी ही ईमेल आईडी वहाँ पर दे देना है, वरना अगर नहीं दोगे तो क्या होगा कि वो जो शॉप वाला है अपनी ही ईमेल आईडी खुद की आपके पैन कार्ड के साथ में लिंक कर देता है, और जब भी आपका जो पैन कार्ड है सक्सेसफुल रेडी होके आपके घर के एड्रेस पर आता है, तो उससे पहले ही ई पैन कार्ड जो होता है उसकी ईमेल आईडी में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी ईमेल आईडी दोगे तो आपके उस ईमेल आईडी में पैन कार्ड, ई पैन कार्ड की पीडीएफ फाइल होती है उसको वो आ जाती है। इससे बेनिफिट ये होता है कि मान लीजिए कि खुदा न खास्ता आपका जो पैन कार्ड है कभी गुम हो गया, या फिर पॉकेट में रखा था तो पॉकेट ही चोरी हो गया, और उसका जो जेरोक्स कॉपी है आपको पता भी नहीं है, आपका पैन नंबर याद भी नहीं है, तो ऐसे में आप रिप्रिंट ऑर्डर भी नहीं कर सकते। और अगर आप, सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि अगर आप ईमेल आईडी देते हो तो जो ई पैन कार्ड होता है आपकी ईमेल आईडी में सालों साल वहाँ पर सेफ रहता है, जब तक आप इसको खुद से ही डिलीट ना करो तब तक ये आपको हमेशा ही काम आएगा। और मान लीजिए आपका पैन कार्ड कहीं खो गया है, तो आप उसी ईमेल आईडी में जो पीडीएफ फाइल है उसको प्रिंट करा के और अपना पैन कार्ड इस प्रकार से यूज में ले सकते हो। सबसे बड़ा तो बेनिफिट ये होता है। अब मैं दूसरी बात एक और बता देता हूँ, कि मान लीजिए कि आपने पैन कार्ड की शॉप वाले के पास जाके बनवा लिया है और उसमें अपना मोबाइल नंबर लिंक कर दिया है, लेकिन जो ईमेल आईडी होती है उस शॉप वाले के पास, मतलब शॉप वाले ने खुद की ईमेल आईडी लगा दिया है, अब आपको यहाँ पर चेंज करना है अपनी ही ईमेल आईडी, आपको अपने पैन कार्ड के साथ में लिंक करना है, तो आप क्या कर सकते हो? तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाया है, वो एंड स्क्रीन में आपको दे दूंगा। मैंने खुद से फ्री में अपनी ईमेल आईडी अपने इसी पैन कार्ड के साथ में लिंक किया है, वो भी एक दिन में, वो भी विदाउट एनी कॉस्ट, मतलब फ्री में आप अपनी जो ईमेल आईडी अपने पैन कार्ड के साथ में लिंक कर सकते हो। तो फाइनली दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी भी शॉप वाले के पास जाते हो अपना पैन कार्ड अप्लाई करना या फिर करेक्शन करना, तो आपको अपने मोबाइल नंबर के साथ साथ एक ईमेल आईडी आपको ज़रूर दे देना है, आपको भूलना नहीं है। एक दिन आप पैन कार्ड बाद में अप्लाई कर देना, लेकिन आपको ईमेल आईडी पहले ही क्रिएट कर लेना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपके मन में अभी भी किसी प्रकार का कोई और क्वेश्चन है पैन कार्ड से रिलेटेड, आधार कार्ड से रिलेटेड, तो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर पूछ लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।